हमारा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक रुपया और दो रुपया किलो चावल सिर्फ 34 लाख परिवार तक पहुंचाना सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, छत्तीसगढ़ के गरीबी, छत्तीसगढ़ के उस पीड़ा को, गरीब का बच्चा यदि घर में रात में सो रहा है खाली पेट तो उसकी मां नहीं सो सकती, कुपोषण से शिकार उस पीढ़ी को बेहतर जिंदगी देना, पलायन की पीड़ा को हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ से रोक देना, स्वास्थ्य और छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना, जब छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ के गोदाम धान से भरे हैं, तो मेरा कोई एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, यह संकल्प है इस मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना। 34 लाख परिवार, आप गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं उस राजनीतिक दल का सदस्य हूं, युवा मोर्चा का, जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, आप गर्व से कह सकते हैं उस राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं जिस दल ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना दी, आप गर्व से कह सकते हैं मैं उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जहां 56 लाख परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, 56 लाख गरीब परिवारों को 30,000 रुपया तक हर महीने किसी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा यदि कोई सरकार दे सकती है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। युवकों के रोजगार के नए अवसर, स्किल अपग्रेडेशन का काम, नई सोच नई तकनीक को छत्तीसगढ़ में लाने का काम, छत्तीसगढ़ गौरवान्वित होता है इन योजनाओं को लेकर जिसका क्रियान्वयन पिछले 9 साल में छत्तीसगढ़ में हुआ। आज हिंदुस्तान में दिल्ली की सरकार खाद्यान्न सुरक्षा पे बहस कर रही है, पार्लियामेंट में विधेयक आने वाला है, मगर हमने कह दिया कि वो विधेयक जब आएगा, हमने उस योजना का क्रियान्वयन 4 साल पहले शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करें, हिंदुस्तान में कोई राज्य धान खरीदी नहीं कर सकता, कोई राज्य धान खरीदता नहीं, अकेला छत्तीसगढ़ है जो इस साल 8,000 करोड़ के 63 लाख मेट्रिक टन धान गरीब किसानों को खरीदा है समर्थन मूल्य में, 1% ब्याज दर में ऋण, नौवीकों के लिए उच्च शिक्षा में जाने वाले, नौवीकों के लिए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, गरीब मां बाप हैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर और दूसरे सेवा में जाना चाहते हैं, पैसे की कमी, उनके लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था और 5% की छूट छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है, लैपटॉप तो दिया है कंप्यूटर के साथ साथ, और उन्हें इंटरेस्ट रेट भी हमने कम किया है ताकि मेरे नवयुवक बेहतर तरीके से उस शिक्षा में शिक्षित हो सके। हमने एक बेहतर योजना छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास अधिकार विधेयक लाने जा रहे हैं। कौशल विकास को एक सरकार का संकल्प, विधेयक के माध्यम से कानून बनाने का, ताकि हर एक युवक को अपने कौशल उन्नयन का अधिकार मिले, जैसे खाद्यान्न सुरक्षा का बिल आया है वैसी कौशल उन्नयन को कानूनी अधिकार हम देने वाले हैं, एक बेहतर काम छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स, खेल के लिए एक विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा, युवाओं के लिए बेहतरी के लिए, इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स फिटनेस, ऐसी नई विधाओं का जन्म छत्तीसगढ़ में। बस्तर में कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तरीके से बस्तर और सरगुजा की संस्कृति को, वहां की धरोहर को बेहतर तरीके से पीएचडी वहां करें, रिसर्च करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बस्तर स्टडीज, बस्तर के उस समन्वित सांस्कृतिक स्टडी के लिए एक सेंटर बस्तर में स्थापित करेंगे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्तर के लिए स्थापित हो। ये युवकों के लिए एक नई टीम, युवा बेहतर तरीके से काम करें और इस छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से हम आगे कैसे बढ़ाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं आज योजनाएं गिनाने
यहां नहीं आया हूं, मैं तो ये बताने आया हूं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में 2000 से 2013 की यात्रा और 2003 से लेकर इस 9-10 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ में मूलभूत परिवर्तन आम आदमी के जीवन में हुआ। और ये युवकों को याद होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम कह सकते हैं गर्व के साथ, जिस छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आमदनी 12,000-15,000 थी, पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है, उस 15,000 से बढ़ के आज 42,000 पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये ग्रोथ बताता है।